들어. 하는 거. 너는 뭐 하고 जैसे रिश्ता उपकरण मुख्यालय जिला स्तर पूरे प्रदेश में ज्ञापन दे रहे हैं तो आर्थिक रूप से तो आरक्षण दिया गया है उसमें जो विसंगतियां हैं सर उनको दूर करने को लेकर इन विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन है सर तो प्रेषित कराए और मुख्यमंत्री जी सकारात्मक रूप से प्रयास करें एक आयु में छूट दी जाए ईडब्ल्यूएस आयोग बने ईडब्ल्यूएस के लिए छात्रवृत्तियां हों और जो टेक्निकल प्रॉब्लम है जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए पति की आयु भी जोड़ी जा रही है पिता की आयु भी जोड़ी जा रही है दोनों की आयु जोड़ी जा रही है तो पति की आयु उसमें जोड़ी जाए और जो परिवार की परिभाषा है उसमें राशन कार्ड या अनुकूल परिवार की परिभाषा मानी जाए तो इनमें चाचा को भी मान रहे हैं और ताऊ को मान रहे सभी को मान रहे हैं वो भी थोड़ी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। और आज किस मांगों को लेकर किस बैनर के तले ज्ञापन दिया जा रहे हैं? महेंद्र सिंह तरातर नाम मेरा। श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के तत्वाधान में ईडब्ल्यूएस में जो विसंगतियाँ हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है। इस प्रकार के ज्ञापन हम तहसील लेवल उपखंड मुख्यालय और जिला स्तर पर पूरे प्रदेश में एक मुहिम चला कर हम सब ज्ञापन दे रहे हैं। क्या मांग क्या आप लोगों की? ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको जो आरक्षण दिया गया है 10%, उस आरक्षण दिया गया है उनकी शुभेच्छा है, हम उनका धन्यवाद देते हैं। और उसके अंदर विसंगतियाँ हैं, उस आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए हम बार बार मांग करते रहे और फिर इस बार हम एक अभियान चलाकर मांग कर रहे हैं। उस विसंगतियों में बिंदु हैं, 5-7 बिंदु हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं हम लोग कि इन बिंदुओं पर आप ध्यान दें, सकारात्मक रूप सोचें। पहला जो मुख्य बिंदु है, जो आरक्षित जो वर्ग होते हैं उनको आयु में विशेषकर छूट होती है, ओबीसी वर्ग है, SC ST वर्ग है। तो ईडब्ल्यूएस अगर है तो ईडब्ल्यूएस में जो भी पात्र विद्यार्थी हैं उन्हें नौकरियों के लिए आयु में छूट प्रदान की जाए, उनको फीस में भी छूट प्रदान की जाए। तो पहला मुख्य मुद्दा यही है, अगर आप आरक्षित आप मानते हैं कि पिछड़े हैं तो उन्हें आयु में छूट प्रदान की जाए। दूसरा जो मुद्दा है, जो महिला अभ्यर्थी हैं जो ईडब्ल्यूएस की पात्र हैं उनके लिए पति की आय भी कैलकुलेट हो रही है और पिता की आय भी कैलकुलेट हो रही है, तो इससे बड़ी पेचीदगियाँ होती है। तो इसमें पति की एक ही आय को माना जाए, ये टेक्निकल पॉइंट है और इसमें उन लोगों को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग ये है और तीसरी हमारी जो मांग है नवीनीकरण की, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है उस सर्टिफिकेट को प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाना पड़ता है और नवीनीकरण की प्रक्रिया ये है कि शुरू से शुरू करना पड़ता है। इस प्रकार से ना हो, प्रक्रिया को सरल किया जाए, जिस प्रकार ओबीसी SC ST वर्ग में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को 3 साल में नवीनीकरण किया जाता है, तो ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट को प्रति 3 वर्ष किया जाए और इसकी प्रक्रिया को सरल किया जाए। उसके बाद में हमारी चौथी जो पॉइंट है उसमें ये है कि मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने भी कहा था, आयोग है जो ओबीसी वर्ग के आयोग हैं, SC ST वर्ग के आयोग हैं, उस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री जी महोदय ने खुद ने कहा था ईडब्ल्यूएस का आयोग बनाया जाए जिससे जो इसके जो पात्र हैं, छात्र हैं, अन्य वर्ग भी जो हैं उनको इसका लाभ मिले। ईडब्ल्यूएस में छात्रवृत्तियाँ दी जाए, ईडब्ल्यूएस के छात्रावास खोले जाएं, इस प्रकार से जो ये विसंगतियाँ हैं उनको लेकर हमारी मांग है कि इन्हें सकारात्मक रूप से इनको दूर किया जाए। और दूसरी मांग जो हमारी है उसके बाद हमारे सहयोगी बताएंगे, एक और हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, राजस्थान के मूल निवासी से जुड़ा मामला है, ये हमारे सहयोगी उसके बारे में आप बताएंगे। आज हमने छात्र प्रसार फाउंडेशन के बैनर तले जिला कलेक्टर जी के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप कर ये मांग की है कि जैसा कि विधिवत है कि सरकारी भर्तियों के अंदर हमारे जो राजस्थान के अंदर है बाहर के जो अभ्यर्थी आते हैं, जैसे हमारा है मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, अन्य स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ के विद्यार्थियों की जो है 25-30% नौकरियाँ खा जाते हैं, जबकि उन राज्यों के अंदर ऐसा प्रावधान नहीं है, वहाँ पर एक इस संबंध में एक कानून लागू है, एक सीमितता लागू है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो बाहर के अभ्यर्थी हो, यहाँ के मूल जो विद्यार्थी हैं उनके साथ अन्याय करते हैं। ऐसे में हम मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने सितंबर महीने के अंदर खुद ने ये बयान दिया था कि इस संबंध में एक कानून बनाया जाएगा और यहाँ के विद्यार्थियों के साथ न्याय किया जाएगा, किंतु अभी तक इस प्रकार का कानून नहीं बनाया गया। हाल ही में सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी आई है, इस भर्ती को देखते हुए और विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो मूल राजस्थानी हैं, उनके साथ न्याय किया जाए और जो इस संबंध में है जो कठोर कानून बनाया जाए, कुछ सीमितता की जाए।